हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि एनाटॉमी होता क्या है। एनाटॉमी मींस डिसेक्शन। आपको बॉडी की कटिंग करनी है और बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर है उनको हमको पढ़ना है, उनको हमको समझना है। अगर हम इन ऑर्गन्स को पढ़ेंगे तब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में जानेंगे, हार्ट के, ब्रेन के, लीवर के, लंग्स के, इन सभी ऑर्गन के बारे में। और जब हम इन ऑर्गन को समझेंगे तभी तो हम इनकी बीमारियों को समझ पाएंगे। यस, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनाटॉमी। लेकिन एनाटॉमी एक डिफिकल्ट, हार्ड, बोरिंग, वोलेटाइल सब्जेक्ट है, तो इसको हम किस तरीके से पढ़ें कि हमको इजी लगे। और जब हमको ये सब्जेक्ट इजी लगेगा तो मेडिसिन, सर्जरी, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, ईएनटी, ऑप्थाल्मी, ऑब्स्गायनी, जितने भी एमबीबीएस के सब्जेक्ट होते हैं वो हमको इजी लगेंगे। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम डिसेक्शन करना चालू करते हैं कि जब हम ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट करते हैं तो हमको क्या क्या लेयर मिलते हैं। सपोज हम ये आर्म देख रहे हैं, आर्म को हम डिसेक्ट आउट कर रहे हैं, जब डिसेक्शन करेंगे तो सबसे बाहर कौन सा लेयर दिखता है? स्किन। स्किन के नीचे कौन सा लेयर मिलेगा? सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के नीचे डीप फेशिया, उसके अंदर मसल, और मसल के अंदर हमको मिलेंगे बोन्स। तो ये सभी चीजें हम यहां बोर्ड पर ड्रॉ करते हैं। यस, सपोज दिस इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर विच इज द स्किन। देयर इज द कंडेंसेशन ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, कंडेंसेशन ऑफ द फैट, कंडेंसेशन ऑफ द एरियोल टिश्यू इन द लूज मैनर जस्ट बिलो द स्किन, दैट इज नोन एज द सुपरफिशियल फेशिया। नाम को तोड़िए, जब भी आप मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो नाम को तोड़ करके पढ़ना सीखो। सुपरफिशियल मीन्स ऊपर है, फेशिया का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, फैट और एरियोलर टिश्यू, दैट इज द सुपरफिशियल फेशिया। अगला लेयर, जब हम सुपरफिशियल फेशिया को कट करेंगे तो अगला लेयर हमको मिलेगा डीप फेशिया। तो अब हमको समझना है कि ये डीप फेशिया क्या होता है। यस, दिस इज द डीप फेशिया। तोड़िए, नाम को तोड़िए। डीप मींस इट इज सिचुएटेड डीपली टू दिस लेयर। एंड व्हाट इज द फेशिया? कंडेंसेशन ऑफ द एरियोल टिश्यू। यस, बट इट इज रिलेटिवली थिक टू द सुपरफिशियल फेशिया। इट इज स्लीव लाइक, इट इज द मेम्ब्रेन लाइक, और यू कैन से पॉलीथिन लाइक। अब जब हम डिसेक्शन करते हैं तो सबसे अंदर में हमको मिलता है बोन, द इनर मोस्ट स्ट्रक्चर इज द बोन। डिसेक्शन के समय हम देखते हैं कि डीप फेशिया से कुछ स्ट्रक्चर होता है जो बोन से जुड़ता है। यस, कैन यू सी हियर, देयर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द डीप फेशिया व्हिच इज अटैच्ड द बोन, बिकॉज दिस लेयर विल सेपरेट द वेरियस मसल्स ऑफ द लिम। ये किसके बीच में है? ये मसल के बीच में, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इंटर मस्कुलर। और ये पार्टीशन बना रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेप्टा। यस, दिस आर नोन एज द इंटरमस्कुलर सेप्टा। यू कैन से सपोज दिस इज द मीडियल पार्ट, सो दिस विल बी नोन एज द मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा, एंड सपोज इट इज द लैटरल पार्ट, देन दिस स्ट्रक्चर विल बी नोन एज लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा। ओके, नाउ द वेरियस मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन। डिसेक्शन में स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, सबसे अंदर में बोन, और बोन के साथ जुड़े हुए कौन से स्ट्रक्चर मिलेंगे? द वेरियस मसल्स। There are the various muscles which are attached to the bone. Clear? Okay? तो ये सारे लेयर हमको मिलते हैं। एनाटॉमी जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमको बहुत सारी मसल्स पढ़नी पड़ती है, और कौन सी नर्व उस मसल को सप्लाई करती है ये भी हमको देखना पड़ता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा बेसिक रूल मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपको मसल्स और उसकी नर्व सप्लाई बहुत ईजी लगेगी। दैट लॉ इज नोन एज हिल्टन लॉ। हिल्टन नाम का एक एनाटॉमिस्ट आया और उसने एक लॉ दिया, दैट इज द हिल्टन लॉ। क्या होता है हिल्टन लॉ? जैसे कि जब हम डिसेक्शन करते हैं तो हर कंपार्टमेंट में आपको एक पर्टिकुलर नर्व मिलेगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये इंडिया कंट्री, ओके, तो यहां पर कौन सी नदी बह रही है? गंगा नदी। यहां कौन सी नदी बह रही है? कृष्णा कावेरी नदी। तो एक सिंपल सा लॉ है, सिंपल सा लॉजिक है कि जो नदी जहां बहेगी वहां के एरिया को सप्लाई करेगी। अगर गंगा नदी नॉर्थ रीजन में बह रही है तो नॉर्थ रीजन की जमीन को सप्लाई करेगी, और कृष्णा कावेरी अगर साउथ रीजन में बह रही है तो साउथ रीजन के जमीन को सप्लाई करेगी। इन द सेम वे, अगर ये नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट में है तो ये नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल को सप्लाई करेगी, अगर ये नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में है तो ये नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल को सप्लाई करेगी। दिस इज अ सिंपल हिल्टन लॉ। लेकिन मैं हिल्टन लॉ को थोड़ा और इलेबोरेट कर रहा हूं। व्हाट इज द हिल्टन लॉ? द नर्व ऑफ द पर्टिकुलर कंपार्टमेंट will supply the all the muscles of that compartment. Yes, it will give the branch to the muscles of that compartment. It will also supply the skin overlying that muscle, and it will give the branch to the joint over which that muscles are acting.
Okay, so according to the Hilton law, the particular nerve of the compartment will supply all the muscles of that compartment, skin overlying that muscle, and the joint over which that muscles are acting. So this is known as the Hilton law. तो एक example लेते हैं, अगर ये arm का entry compartment में है, तो entry compartment में तीन muscle, arm के entry compartment में तीन muscle. What are the three muscles? Yes, B. B, C, London. B, B, C, London. Suppose, this is our mnemonic. Yes, B for biceps brachii, B for brachialis, and C for coracobrachialis. So, what should be the nerve supply of the biceps or brachialis or coracobrachialis? हम देखेंगे dissection में कि entry compartment की nerve होती है musculocutaneous nerve. तो simple सा logic है. What should be the nerve supply of the biceps? Musculocutaneous nerve. What should be the nerve supply of the brachialis? Again, musculocutaneous. What is the nerve supply of the coracobrachialis? Again, musculocutaneous nerve. And this was the nerve supply of the coracobrachialis was the question of the recent NEET 2016. So, this is the simple logic. Okay? So, thank you very much. आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भारत देश के जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको एनाटॉमी जैसा डिफिकल्ट वोलेटाइल हार्ड सब्जेक्ट इजी लगे और आप इसको एंजॉय के साथ पढ़ सके, ताकि आपके अदर सब्जेक्ट जितने भी मेडिकल साइंस के हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्थल्मो, ENT, वो सब आपको इजी लगे. थैंक यू वेरी मच.